आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम डोडा भरत रोड पे आए हुए हैं और आपको हम बता दें कि डोडा भरत रोड की आखिर हालत है क्या। आपको कल भी हमने बताया था कि एक बारिश के गिरने की वजह से इस रास्ते का जो हाल था वो किस तरह का था, आपने कुछ विजुअल्स आपको दिखाए हुए थे, लेकिन आज हम ऑन स्पॉट यहाँ पर आए हुए हैं और आपको हम बता दें कि क्या हालत है आखिर इस रास्ते की। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है आखिर इस रास्ते का, कितने ज़्यादा पैचेस यहाँ पर हैं, कितनी ज़्यादा जो मिट्टी यहाँ पर डाली गई है जिसकी वजह से गाड़ियों का स्लिप होना तो यहाँ पर जायज़ है और लोगों को चलने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी अभी यहाँ से चल रहे हैं तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का हाल जो है आखिर यहाँ भरत रोड का है। आप हमारे कैमरामैन आपको फुल जूम करके दिखाएंगे, हर जगह आपको दिखाएंगे कि ये जो भरत रोड आखिर ऐसी है क्यों। पिछले कुछ सालों से जो है कुछ क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग 5-10 सालों से जो है इस रोड की हालत आखिर ऐसी ही है और लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ क्यों नहीं अभी तक। तो हम आगे भी आपको इसके पार वाली साइड दिखाएंगे कि किस तरह का हाल इसके पार भी है। तो आप देख सकते हैं इस पार वाली हालत भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का हाल आखिर है इस साइड भी। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पैचेस यहाँ पर हैं, कितने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर हैं, कीचड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों को स्लिप होने का खतरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कोई भी गाड़ी अगर यहाँ से चल रही है तो उनका चलना कितना मुश्किल होता होगा और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक चली बहुत ही मुश्किलात होती है उनको आर पार करने में। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि पूरा क्या हाल है इस रोड का, क्या हाल है इस सड़क का। और जब हमने बात की डिपार्टमेंट से कि काफ़ी सालों से ये जो रास्ते हैं अभी तक बने हुए क्यों नहीं है आखिर, तो डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिलाया हुआ है कि इस रोड का काम जो है जल्द से जल्द लग जाएगा। और जब हमारी बात यहाँ के जो जेई सुनील जी है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से हम काम कर नहीं पाए, लेकिन धूप चाहे कल निकले या परसों निकले तो विद इन डेज जो है हम ठेकेदार को काम दिया गया है और विद इन डेज जो है यहाँ का काम जो है लग जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ का काम लग जाए ताकि यहाँ के जितने भी लोग हों उनको प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। हम आगे भी ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे, हम यहाँ की हर एक सड़क से, हर एक रास्ते से उनका हाल आपको हम बताएंगे। इसी के साथ जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।